साहिल आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज का अपना अध्ययन बिंदु है एस्किमो, और जैसा कि अपन जानते हैं कि एस्किमो ठंडे प्रदेशों की या टुंडा प्रदेश की एक जनजाति है, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में पिछली क्लास में भी अपन चर्चा कर चुके हैं, और पिछली क्लास में अपन जान चुके हैं कि टुंडा प्रदेश क्या होता है, इनके निवास क्षेत्र कैसे हैं, निवास गृह कैसे हैं, इनकी भोजन व्यवस्था कैसी है, इन किन वस्त्रों का ये उपयोग करते हैं, इसके अलावा इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है और इनकी आखेट की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, किस अर्थव्यवस्था पर ये निर्भर करते हैं, इनका जीवन कैसे चलता है, क्या करके ये अपना काम चलाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये उस अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में अपने आप को बनाए हुए हैं, उस वातावरण में ये रहते हैं जो अत्यधिक शीतकाल का है, जहाँ ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, उस प्रदेश में ये अपने आप को कैसे एडजस्ट किए हुए हैं, यानी वहाँ के वातावरण से ये कैसे समायोजित है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में अपन यहाँ से यहाँ तक अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, और इनका वातावरण से कैसे समायोजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था जैसा क्या होती है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी अपने जीवन को चलाने के लिए क्या व्यवस्था है उनके पास, वो अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ किस प्रकार से कमाते हैं या उनका जीवन कैसे बना रहता है, वो कहलाती है अर्थव्यवस्था, यानी अर्थ कमाने की व्यवस्था अर्थव्यवस्था कराती है, जिससे अपना वो जीवन चलाते हैं। यहाँ अपन देखते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था का एकमात्र साधन है आखेट या शिकार, यानी शिकार करके या आखेट करके ही ये अपना जीवन बनाए रखते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, और शिकार करके अपने अपने परिवार को पालते हैं। अब शिकार जो करते हैं, उस शिकार में ये वहाँ पर उस प्रदेश में उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी जानवर है उनका शिकार करते हैं, चाहे वो रेंडियर हो, कैरिबो हो, या ध्रुवे भालू हो, ध्रुवे लोमड़ी हो, ध्रुवे खरगोश हो, या वार जंतु हो, या उस क्षेत्र में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की मछलियाँ, तो उनका शिकार करते हैं। मछली शिकार की विधियाँ भी अपन पिछली क्लास में जान चुके हैं, पिछली रिकॉर्डिंग में अपन देख चुके हैं, और शिकार अनेक प्रकार के जंतुओं का शिकार शिकार करके भी ये अपना अपना जीवन चलाते हैं। अब इनके शिकार में जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार के साधन काम में लिए जाते हैं, एक अस्त्र के रूप में जो हार्पून है इनका एकमात्र विशेष प्रकार का हथियार है, जिनसे ये शिकार जानवरों का भी शिकार करते हैं और मछलियों का भी शिकार करते हैं। हार्पून जो एक बालेनुमा हथियार है और 1 से 1.5 फुट लंबाई का होता है, ये हड्डी का भी बना हो सकता है, लकड़ी का भी बना हो सकता है, और पत्थर का भी बना हो सकता है। उस हार्पून से जो आगे से नुकीला होता है, भालेनुमा होता है, उस हार्पून से ये हार्पून को चलाकर ये अपना शिकार करते हैं, चाहे वो मछली का शिकार हो, चाहे वो अन्य उस क्षेत्र में मिलने वाले जानवरों का शिकार हो। तो ये हार्पून एक विशेष प्रकार का अस्त्र है जो भालेनुमा होता है और जिसे हाथ में रखकर ये चलाकर शिकार करते हैं। दूसरा जो शिकार में ही काम आती है या परिवहन के काम आती है वो है स्लेज। स्लेज के बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ और बता रहा हूँ, बिगर पहियों की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी है जो रेंडियर कुत्ते नुमा जानवर के द्वारा खींची जाती है, ये परिवहन के भी काम आती है और शिकार में भी काम आती है, वो गाड़ी कहलाती है स्लेज। अब यहाँ पर और भी परिवहन और यातायात के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये एस्किमो के उपयोग में आते हैं। वो स्लेज के बारे में अपन बता चुका हूँ कि बिगर पहियों की गाड़ी है जो रेंडियर कुत्ते नुमा जानवर के द्वारा खींची जाती है और बर्फ पर चलती है, ये है स्लेज। दूसरी आगे चर्चा करेंगे कयाक। कयाक क्या होती है? कयाक एक प्रकार की छोटी नाव है। कयाक एक प्रकार की छोटी नाव है जो जानवरों की हड्डियों से और खाल मढ़कर बनाई जाती है, और ये खुले में ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्रों
क्षेत्रों में जो खुले में शिकार किया जाता है, वह उन खुले में शिकार करने के लिए जो छोटे छोटे मछलियों और जानवरों का शिकार करें उनमें काम आती है कयाक। कयाक जो नाव है और जो मछलियों के शिकार में काम आती है, छोटी मछलियों के शिकार में काम आती है, और ये छोटी नाव कयाक आती है जिसकी लंबाई 6 मीटर के लगभग होती है। तो ये है कयाक, छोटी नाव कयाक आती है जो एस्किमो मछली के शिकार में ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्र में काम लेते हैं। दूसरा है, आगे चलते हैं, उमियाक। उमियाक ये एस्किमो की बड़ी नाव है जो कि इस लंबाई में ज्यादा होती है, और ये बड़ी बड़ी मछलियों जैसे वेल जैसी बड़ी मछली के शिकार में भी ये काम में ली जाती है। ये बड़ी नाव होती है और वेल जो दुनिया की सबसे वजनी मछली है वो उसके शिकार में भी ये उमियाक काम में ली जाती है। ये भी हड्डियों से बनी होती है, या जहाँ लकड़ी उपलब्ध हो जाती है वहाँ लकड़ी से भी बन जाती है, और उस पर सील मछली या अन्य जानवरों की खाल बनकर उस नाव को तैयार किया जाता है, और वो बड़ी नाव कहलाती है उमियाक। ये बड़े मछली के शिकार में ये काम आती है। तो अपन ने स्लेज के बारे में जाना, कयाक जो छोटी नाव है उसके बारे में जाना, उमियाक जो बड़ी नाव है उसके बारे में जाना, और इसके आगे अपन देखेंगे हारपून जो हथियार है इनका, एक विशेष हथियार है बालू नुमा, उसे ये सारा शिकार में काम में लेते हैं, वो है हारपून। तो ये इस प्रकार से इनकी परिवहन और यातायात की व्यवस्था में काम में आने वाले साधन है, और इन्हीं से इनकी अर्थव्यवस्था बनती है, और अर्थव्यवस्था का एकमात्र साधन इनके पास शिकार है। शिकार पर ही इनका पूरा जीवन निर्भर है, ये एकमात्र इनका जीविकापार्जन का साधन है, और इसी पर इनकी अर्थव्यवस्था निर्भर है। अब आगे इनके जानेंगे सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कि इनका समाज किस प्रकार का है, इनका कल्चर किस प्रकार का है, समाज में क्या क्या रीतियाँ इन पर में चलती है, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जैसा कि देखते हैं कि जनजातियों का समाज है, जो सभी जनजातियों में अपन देखते हैं कि इनका एक विशेष प्रकार का समाज होता है, सभी जनजातियों का अलग अलग विशेष प्रकार का समाज देखने को मिलता है। सभी जनजातियों में की तरह ही इस जनजाति में भी जो बुजुर्ग व्यक्ति समाज में, जो परिवार में बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको सम्मान दिया जाता है, और यहाँ भी सही परिवार प्रथा यहाँ पर देखने को मिलती है, उस बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और उसी के आदेशों और निर्देशों के अनुसार सारा परिवार चलता है। जो भी शिकार करके लाते हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था एकमात्र शिकार पर निर्भर है, जो भी शिकार करके लाते हैं वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया जाता है, और वो परिवार के सभी सदस्यों में उसका बराबर बंटवारा कर देता है। इस प्रकार की व्यवस्था इनको इनके में देखने को मिलती है। आगे ये देखने को मिलती है कि ये एस्किमो जो है बहुपत्नी व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिलती है। एस्किमो एक से अधिक पत्नियां भी रख लेता है, वो बहुपत्नी की व्यवस्था कराती है, और पॉलीगैमी व्यवस्था कराती है जो इनमें देखने को, इस जनजाति में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एस्किमो जो है जीवन भर नहाता नहीं है, क्योंकि अत्यधिक शीत वाले प्रदेशों में ये निवास करते हैं, जीवन भर ये नहाते नहीं है, और जो वस्त्र जो खालनुमा वस्त्र है वो भी पहनते हैं, और जीवन में जब पहनते हैं तो उसको फटने के बाद में ही उसको उतारा जाता है, नहाने का कोई काम नहीं है, और जो वस्त्र एक बार पहन लिया वो भी उसके फटने के बाद में ही उस वस्त्र को उतारा जाता है। वस्त्र व्यवस्था के बारे में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं, तो ये भी यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके इनके समाज में ये भी देखने को मिलता है कि ये भूत प्रेत जादू टोनों में विश्वास करते हैं, आत्माओं में विश्वास करते हैं। इसके अलावा ये लोग जो है, जो इनकी बीमारियां हो जाती है उसमें भी आत्माओं का या भूत प्रेत जादू टोनों का योगदान मानते हैं या हाथ मानते हैं। तो इस प्रकार, और उस जो जादू टोना या भूत प्रेत या गलत आत्माएं किसी में लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है, उनको निखारने के लिए इनके समाज में एक विशेष व्यक्ति होता है जिसे ओझा के नाम से जाना जाता है। ओझा इनके भूत प्रेतों जादू टोनों को दूर भगाता है, या उनकी जो बीमारियां हो जाती है उनको दूर करता है, वो ओझा कहलाता है। इसी प्रकार से इनके समाज में जादूगर को एक विशेष सम्मान दिया जाता है, और ये जादूगर है जो इनकी बीमारियों को भी दूर करता है, और इनके आने वाले समय में जो किस प्रकार की संभावनाएं होगी उनको भी बताता है, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में भी ये बताता है। तो इस प्रकार उनके समाज में जादूगर को एक विशेष स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से इनके समाज में एक विशेष देवी की पूजा की जाती है, इसकी वो जनजाति में एक विशेष देवी की पूजा की जाती है,
उस देवी को सेना के नाम से जाना जाता है, जो जल देवी भी कहलाती है। वो देवी सेना के नाम से जानी जाती है और वो जल देवी भी कहलाती है, वो जल उसका निवास जल में होता है। ये भी माना जाता है कि उस देवी को पसंद करने के लिए उसकी ये पूजा अर्चना करते हैं। और इनका दूसरा पक्ष ये भी है कि यदि उस देवी की पूजा नहीं करें और देवी नाराज हो जाए तो इनके इनको प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उस देवी की ये पूजा भी करते हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था एस्किमो को देखने को मिलती है कि ये भूत प्रेत जादूटों में विश्वास करते हैं। इनमें भूत प्रेत जादूटों को बीमारियों को निकालने के लिए एक विशेष व्यक्ति होता है जिसको ओझा के नाम से जाना जाता है। जादूगर को इनके समाज में विशेष स्थान दिया जाता है। इनमें एक जल देवी है, विशेष देवी है जल देवी, जिसको सेना के नाम से जाना जाता है। वो इनको सारे प्राकृतिक प्रकोपों से बचाती है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यदि नहीं करेंगे तो वो प्राकृतिक प्रकोप ले आएगी, ऐसी भी इनकी मान्यता है। इसी के साथ साथ बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और उसके आदेश और निर्देशों के अनुसार ही सारा काम किया जाता है। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था एस्किमो में देखने को मिलती है। इस प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था इनकी होती है। आगे चर्चा करेंगे कि वातावरण से संबंधित कि जिस वातावरण में कठोर परिस्थितियों में ये रहते हैं, कठोर वातावरण में रहते हैं, अत्यधिक शीत वाले कठोर परिस्थितियों में या कठोर वातावरण में ये निवास करते हैं और वहाँ पर भी अपने आप को कैसे ये बनाए हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इन उस कठोर परिस्थितियों में भी अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं, यानी वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार इनका अनुकूलन हो गया है और वहाँ ये अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। ये स्कीमों का है जो कि विशेष कठोर परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए हुए हैं। इसी के साथ साथ इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन भी आए हैं और परिवर्तन इस प्रकार से आया है कि इन जो एस्किमो लोग हैं वो कनाडा और यूएसए के लोगों से मिलने जुलने लगे हैं और नई नई चीज़ों की जानकारी मिली है और वो नई नई चीज़ों की अपनी पुरानी परिपाटियों को छोड़कर इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनाने लगे। इसी के साथ साथ जो है इनकी जो इग्लू और स्लेज गाड़ी है इनको ये परिवहन और पर्यटन के रूप में काम में लेने लगे। पर्यटन के माध्यम से इनका इनको इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। पर्यटन में ये स्लेज गाड़ी में पर्यटकों को घुमाते हैं, इसी प्रकार से इग्लू जो इनके बर्फ के घर है उनमें निवास करवाते हैं और उससे कुछ अर्थव्यवस्था या अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं और उनसे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में इनके सुधार हुआ। इसी के साथ साथ इनके क्षेत्रों में जो कई प्रकार के खनिज मिलते हैं या निर्माण कार्य होते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं या जानवरों की खाल का व्यापार करते हैं तो वो कार्य करके भी ये अर्थ कमाते हैं, धन कमाते हैं और अपने जीवन यापन को में सुधार ला रहे हैं। तो इनके जीवन में जो ट्रेडिशनल तो है ही है, साथ साथ ये नई नई चीज़ों को भी धीरे धीरे अपना रहे हैं और अपने जीवन यापन उस कठोर वातावरण में कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर इनके क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी भी जाते रहते हैं और चूँकि ये गरीब लोग हैं, पिछड़े ट्रेडिशन को मानने वाले लोग हैं तो वो ईसाई मिशनरी वहाँ जाते हैं और उनको शिक्षा रोजगार और अर्थ की व्यवस्था उनकी करते हैं। शिक्षा रोजगार और चिकित्सा रोजगार शिक्षा की व्यवस्था वो करते हैं, बदले में वो उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं, उनको ईसाई धर्म ग्रहण करवा देते हैं किंतु चिकित्सा शिक्षा और रोजगार संबंधी सुविधाएं उनको दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये उस कठोर वातावरण में भी जो कि अत्यधिक शीत वाला या हिमाचल क्षेत्र है और वहाँ भी इन कठोर परिस्थितियों में रहते हैं और अपने आप को बनाए हुए हैं, नई चीज़ों को भी धीरे धीरे अपना रहे हैं और पुरानी चीज़ों को भी बनाए हुए हैं तो अपने आप को उस वातावरण में समायोजित किए हुए हैं। तो ये इस प्रकार से आज के व्याख्यान में आज के लेक्चर में अपन ने इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इनकी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में और इनके वातावरण से समायोजन के बारे में जाना है। ये है इनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था और वातावरण से समायोजन। धन्यवाद सर।